तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अजमेर शिव दरगाह में किस तरीके से किन्नर समाज के लोग चादर लेकर के आते हैं और इनको गरीब नवाज की बारगाह से क्या आस्था है। तो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, तो पूरा वीडियो कंप्लीट होता है कि समझ में आए। और ये कब से पेश? वो खादा जी का कर्म हुआ, मेरे को बीमारी लपट गई थी, खादा जी के सत्ते में मेरे को कम हो गई। मैं देखो 9 साल की उम्र से इन्हीं से जानकारी करके बताएंगे कि अजमेर शिव दरगाह पे खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग आते हैं, जो कि चांदी का कलश भी पेश करते हैं और भी तबरुकात पेश करते हैं दरबार गरीब नवाज में। तो उनका क्या कीदा है गरीब नवाज की बारगाह से, क्या मान्यता है जी? किन्नर की मजार भी है यहाँ पे, मैंने सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान, यूट्यूबर। तो जैसे कि आपको पता है अजमेर शरीफ दरगाह का उर्स चल रहा है, स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारी खाला हमें मिल चुकी है। जी मैडम, आज किस तरीके से माहौल है और किस तरीके से उर्स मना रहे आप लोग? जी माशाल्लाह, मैं कल जी मेरा नाम है सिमरन सिंह और मेरा नाम है जी और कल भी चादर निकाली। तो कितने लोगों का आप लोगों का जमा हो जाएगी माशाल्लाह? तो ये गरीब नवाज के चाहने वाले, क्या मैसेज देना चाहोगे? ठीक है, बहुत आमीन। तुम आमीन। चादर आप लोग कहाँ से लेकर के आए और कब से लेकर के आ रहे जी? जी ये हैदराबाद से, और हम लोग की नहीं, हम लोग के फ्रेंड लोग उनकी चादर आई है, हैदराबाद से है जी। हम लोग की कलिया परसों निकलेंगे हैदराबाद वालों की चादर। कितने समय से चादर ला रहे हो आप लोग अजमेर में? 8 साल से निकाल रहे हैं लोग चादर, ये मरफे वाले हैदराबाद का जो मरफा मशहूर है ना, हाँ। उन लोग आइए हैदराबाद से हमेशा चादर लेकर, 6-7 साल से हम लोग इनके, हम लोग के फ्रेंड है तो लोग बुलाए हम लोग को चादर। ठीक है, 8 साल से निकालते हैं। एक और बात, क्या मैसेज देना चाहोगे जो आप लोगों को देख रहे हैं अजमेर में या पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज है? बस यही है कि ख्वाजा गरीब नवाज को और नवाज, हर साल हम लोग ऐसी ही आए धूमधाम से, बस यही हमारी ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है हम लोग की। ठीक है, तो आप लोग किस क्या दुआ करना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं जी? आप बोलो, आप बोलो, आप ठीक है, वही दुआ करना चाहेंगे ख्वाजा गरीब नवाज हर किसी को ऐसी नवाज है जैसे हम लोग धूमधाम से, हर कोई ऐसी धूमधाम से और हर किसी की परेशानी हर बला दूर जाए। ठीक है, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम तराना खान है, मैं हैदराबाद से डांसर बात करी, तराना किन्नर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आते हैं यहाँ पर खासी तादाद में, ज़ियारत करते हैं और अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं और ये दुआ करते हैं कि हर साल गरीब नवाज अपने बारगाह पे इसी तरीके से बुलाए और हम लोग आते रहे, बराबर ना? कहाँ से हो आप लोग? हेलो मिस्टर खान, क्या बात, बढ़िया। कहाँ से हो आप? कहाँ से? डोसा वाला भाई, क्या बात है, क्या बात है, डोसा वाला। बहुत शुक्रिया।
अच्छा भाई किन्नर बोल रही हूँ मैं, हर साल 10 सालों में ज्यादा चढ़ा के फिर कहना इस साल भी मैंने ज्यादा चढ़ाई है। पचास लोगों की टीम है अजमेर से यू लोकल। ये मेरा गुरु भाई है, मेरा बड़ा गुरु भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमेर शरीफ में किन्नर समाज की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी चादर को लेकर के आए। देखिए काफी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आते हैं। देखिए माशाल्लाह 50 लोगों की पूरी ग्रुप होती, देखिए आप और काफी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए माशाल्लाह। देखिए ये अजमेर शरीफ में किन्नर समाज की तरफ से चादर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर राजा पहले तो अभी तो जाएगा यार भाई, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते मेरा आप देख सकते हो हालत कैसे हो रही है माशाल्लाह। पर आप लोगों के लिए मैसेज पहुंचाता था और इसी तरीके से मैसेज पहुंचाता रहूंगा।
कहाँ से आई आप लोगों की? हैदराबाद से आई। आप सबके लिए सबके लिए दुआ करने के लिए, जितने मुसलमान हमारे मोमिन भाई जो परेशान है इनके हक में दुआ करेंगे, और ये कोरोना वायरस के लिए दुआ करेंगे, और जो तो बीमारी जो जल्द से जल्द जो भी बीमारी है सरकार के सत्ते में दूर करेंगे। कितने समय से चादर लेकर आ रहे हो आप लोग? ये देखो भाई, मेरे को खादा चीजी का कर्म हुआ, मेरे को बीमारी लपट गई थी एक आधा जी के सत्ते में मेरे को कम हो गई। मैं देखो 9 साल की उम्र से खादा जी का सत्ते ला रहा हूँ, मैं 28 का होगा जिंदगी भर तक मेरे दम तक मैं खादा जी का चादर। तो आप देख सकते हो अजमेर दरगाह में काजल मैडम की तरफ से जो किन्नर समाज की तरफ से जो पूरी चादर आती है वो भी आ चुके हैं आप देख सकते हो, और गरीब नवाज की बारगाह में क्या क्या पेश करेंगे वो अभी चलते हैं और खादिम साहब से भी जानकारी करके आपको पूरा बताएंगे। तो पूरा वीडियो कर लो देखना ताकि समझ में आए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। काजल मैडम भी कितने खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए हैं दरबार गरीब नवाज में पेश करने, तो अभी पेश करेंगे फिर वहाँ पे जाकर के जानकारी करके आपको पूरा बताएंगे। तो आप देख सकते हो तो ऊपर से फूल बरसा करके स्वागत करा जा रहा है चादर शरीफ को यहाँ पर दरबार गरीब नवाज में जाने वालों के लिए, और खास करके जानी ख्वाजा को भी फूल बरसा करके यहाँ पर स्वागत करा जा रहा है, इस्तकबाल करा जा रहा है, देख सकते हो माशाल्लाह। और अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ इस तरीके से उर्स का आगाज होता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से उर्स मनाया जाता है अजमेर की बारगाह पे। आज की बारगाह पे खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग चादर को पेश करने के लिए जाते हैं, तो यही मैं जानकारी करके बताऊंगा कि गरीब नवाज से इनको क्या निस्बत है कि दरबार गरीब नवाज में कभी चांदी का कलश है तो कभी सोना का बना हुआ सामान हो या तबर्रुक हो, कुछ ना कुछ दरबार गरीब नवाज में पेश करते हैं, तो इनकी क्या मान्यता है, यहाँ से क्या आस्था जुड़ी हुई है, तो पूरी जानकारी करेंगे आपको पूरा बताएंगे। तो देखिए ये काजल मैडम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर दरबार गरीब नवाज में कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के आती हैं, अभी पेश करेंगे वो भी बताएंगे।
अजमेर शरीफ दरगाह में खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग चादर लेकर के आते हैं, तो उन्हीं में किन्नर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी कहाँ से आप? बॉम्बे। बम्बई से? आपकी चादर पेश हो गई क्या? माशाल्लाह से हो गई। तो दरबार अच्छा रखे, सब अच्छे रहे, कामयाबी होए, सबकी रोजी का हमें खूब बरकत दे, आमीन। तो दरबारे गई नो आज में क्या क्या तोहफा रुख के तौर पे, तोहफे के तौर में आप पेश करते हो? इतर हो गया, चादर हो गई, नियाजे होती है हमारी, बस ऐसी गरीब नवाज हम किन्नरों को नवाजते रहे, हम भी सबको देते रहे। मैंने सुना चांदी का ताज भी पेश करते हैं आप, मतलब अलग अलग ग्रुप के आते हैं, आप कौन से ग्रुप के हैं? हम लोग बॉम्बे से। मुंबई से? तो गुजरात वाले भी होते हैं, हैदराबाद वाले भी होते हैं, सब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से अपने अपने अकीदत के तौर पे पेश करते हैं। मेरा नाम माही है, इसका नाम माहिर है। आप तो कितने समय से आप लोग अजमेर में आ रहे हैं? काफी सालों से आ रहे हैं, आठ नौ साल से। मतलब यहाँ पर आते हैं, रोजे नमाज रखते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मुरादे मांगते हैं, और गरीब नवाज के सदके वसीले से सब सबका अच्छा अच्छा होता है। और जो जारी ना ख्वाजा आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ करना चाहेंगे आप? मालिक सबकी जायज तमन्ना पूरी करे, जिसकी जो हाजत है वो भी पूरी करे और हमारी भी करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो सीनियर है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सब अच्छे से रहना, मेरा ये तुमको दुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बाबू अच्छा वीडियो बनाता है, इसको बाबा अच्छा रखे, खुश है। आमीन सुबह आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। दरगाह नवाज पे पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे हमें खादिम साहब मिल चुके, तो अभी इन्हीं से जानकारी करके बताएंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह पे खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग आते हैं, जो कि चांदी का कलश भी पेश करते हैं और भी तबरुकात पेश करते हैं दरबार गरीब नवाज में। तो उनका क्या अकीदा है गरीब नवाज के बारगाह से, क्या मान्यता है? जी जी, सलाम अलैकुम। मैं अजमेर शरीफ से गद्दी नशीन ख्वाजा साहब सैयद नादिर अली शाह खादिम ख्वाजा जी। गरीब नवाज की बारगाह में हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग आते हैं, स्पेशल किन्नर समाज के लोग जो होते हैं, ख्वाजा साहब से बड़ी अकीदत रखते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको बहुत बड़ा फैज मिला है और किन्नर समाज को यहाँ बहुत इज्जत दी जाती है जी। गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी अपनी अकीदत से यहाँ तोहफे पेश करते हैं, कोई सोने का सामान, चांदी का सामान ला करके अपने सर पे उर्स के मौके पे सरकार की बारगाह में ले जा करके पेश करते हैं जी। गरीब नवाज में यहाँ पर एक किन्नर ने, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि किन्नर ने यहाँ पे दुआ मांगी थी जी, कि गरीब नवाज आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में दुआ करो कि मेरे पेट से औलाद हो जी। और वो दुआ मांग करके भूल गया, मगर कुछ साल के बाद खुद ब खुद जैसे औरत की प्रेगनेंसी होती है उसी तरीके से उस किन्नर के भी प्रेगनेंसी हुई और उसी तरीके से ऑपरेशन से उसके बच्चा हुआ। ख्वाजा साहब ने वो हाजिरी देने आए और यहाँ पर उसका मजार भी है तारागढ़ में, और किन्नर किन्नर की मजार भी है यहाँ पे, मैंने सुना है। बिल्कुल है, बिल्कुल। कहाँ पर है वो? ये तारागढ़ उसके ताकसीयत के रास्ते में बीच में मजार है जी। जो बच्चा हुआ था उस बच्चे का भी मजार है जी। किन्नर समाज बहुत गरीब नवाज से अकीदत रखता है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। ख्वाजा बाबा उनको भी बुलाए और जितने भी लोग आपके चैनल के जरिए देख रहे हैं उनको भी आने का मौका मिले अजमेर शरीफ में जी। जी, गरीब नवाज की नगरी है तो देखें माशाल्लाह, और उसकी कल रस्म आखिरी जो थी वो हो चुकी है, उसके बावजूद जालिम का तांता लगा हुआ है, हर मजहब के लोग हर वक्त नजर आते हैं गरीब नवाज की बारगाह में जी। यहाँ पे दरबार में जो सोने चांदी का सामान पेश किया जाता है वो दरबार में काम आता है जी। दरबार की जेबाइश का जो चीज़ होती है ना, हम लोगों के जरिए हमारी वकालत में अंदर पेश किया जाता है जी। हम ही लोग उसके वकील होते हैं, हमारे नाम से वो रसीद में अंदर दरबार में जमा होता है जी। दरबार के अंदर सजावट में खूबसूरत जगह पे लगाया जाता है जी। किन्नर समाज के लोग काफी अलग अलग तरीके के तोहफे लाते हैं। और यहाँ पे दरबार गरीब नवाज में कौन कौन से समाज, कौन कौन से जाति धर्म के लोग आते हैं, और अभी माहौल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास माहौल है। ख्वाजा साहब में हर धर्म के लोग आते हैं, इस वक्त भी मौजूद है, हमारे हिंदू भाई भी मौजूद है, सरदार भाई भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी हैं। ये दरबार किसी की धर्म जात किसी का नाम लेकर के एंट्री नहीं होती यहाँ पे, कि आप हिंदू हो तो आप मत आओ, मुसलमान हो आप आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब नवाज में सबके लिए हम वेलकम करते हैं, सबका खैर मकदम करते हैं गरीब। अगर आपके साथ कोई इज्जत करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है तो किस तरीके से मिल सकता है? बिल्कुल, हमारा नंबर आप कॉन्टेक्ट में रखिए जी। दरबार शरीफ का कुछ भी काम हो, कुछ भी यहाँ तोहफे पेश करना हो, ऐसी चीज पेश करो जो यहाँ पे दरबार के हिसाब से हो जी, तो हमारे कॉन्टेक्ट पे आप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, हम मिलेंगे इंशाल्लाह, आपकी वो चीज भी पेश करवाएंगे दरबार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? सैयद नादिर अली शाह। ठीक है।